बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि यूपी के देवरिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। देवरिया के नारी संरक्षण गृह में भी देह व्यापार कराए जाने के आरोप है। संरक्षण गृह से भागी एक बच्ची ने पुलिस को जब ये सनसनीखेज जानकारी दी तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में पुलिस ने रात में ही संरक्षण गृह पर छापा मारकर 24 लड़कियों को मुक्त कराते हुए संचालिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है। हालांकि संरक्षण गृह से अभी भी 18 लड़कियां लापता है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जो लड़कियां 15 से 18 साल की हो जाती है उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है और वो उनको लेने के लिए गाड़ियां आती हैं और बाहर चली जाती हैं और सुबह देर सुबह में आती हैं और रोते हुए आती हैं, तो बहुत शंका लगा कि बहुत गलत बात है। और कुछ एडॉप्शन भी हुए हैं जो ये बता रही है कि गलत तरीके से हुए हैं, वो सब चीज़ें डीपीओ साहब और संबंधित संस्था इन्वेस्टिगेट करेगी। डीपीओ साहब को हमने तत्काल बुलाया करीब 7 बजे और ये आ गए 8 बजे तक। लगभग 1-2 घंटे में हमने 3-4 जगह छापेमारी मारी और करीब 24 बच्चों को रिहा करवाया। अभी और भी 10-15 बच्चों का पता नहीं चल रहा कहाँ है, बच्चे और बुजुर्ग दोनों मिला के। पूरे प्रकरण की समग्र जाँच की जाएगी, वहाँ का जिला प्रशासन इस बारे में ऑलरेडी कार्रवाई कर रहा है और महिला और बाल विकास विभाग भी इसमें समन्वय कर रहा है। एक विधिवत व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत ये इंक्वायरी होगी। ये जो बच्चे हैं उनका मेडिकल कराया जाएगा फीमेल डॉक्टर के तहत, 164 के पॉक्सो कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान किए जाएंगे और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई होगी पूरी तरह से की जाएगी। किसी प्रकार की कोई हिलावाली नहीं है, जो सत्यता है उसको सामने लाएंगे। बच्ची की माने तो रोजाना कई लोग काले और सफेद रंग की कारों से आते थे और मैडम के साथ लड़कियों को लेकर जाते थे। सफेद कार आती है, एक खाली काली से आई थी, एक खाली लाल से आई थी। तो क्या करती थी जी भाई? वो सुबह कैसे आती थी, सुबह क्या कहती थी तुमसे? सुबह कुछ नहीं कहती थी, रोती थी, कुछ नहीं। फिलहाल पुलिस दोनों संचालिका और उसके पति से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामले में मानव तस्करी, देह व्यापार के साथ बाल श्रम से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन नारी संरक्षण गृह में चल रहा देह व्यापार अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर प्रशासन को इस पूरे काले धंधे की कोई जानकारी कैसे नहीं थी? पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विकास द्विवेदी की रिपोर्ट।